ने फ्रेंडशिप फॉर हायर बिजनेस नुआ ट्रेंड पालुछि। केवल युवपीढ़ी नुहति वयस्क व्यवसाय लिप्त रहुछन्ति, जहाँ चीन अर्थनीति को बुस्ट करुछि। किंतु एभली काहेकि होउछि, एहा पछर कारण कौन? बेकारी समस्या चीन ने चिंता बढ़ाई, विशेषकर युवपीढ़ी कामधंदा छाड़ दे, जहाँ धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लगी। चीन 45 मिलियन युवपीढ़ी चापग्रस्त रहा सहित विषादर शिकार होती। सेपरी 41 मिलियन पिला दुश्चिंतार रोचान। सबुठ बड़ कथा 92 मिलियन पिला चीन में निसंग बा एकलापणर शिकार होती। से फ्रेंडशिप बा बंधुता दरकार, आ खास से चीन में एवं भड़ाटिया फ्रेंडशिप व्यवसाय जोरदार चली। अन्यपटे चीन कठोर शिक्षा प्रणाली, पूर्वर प्रजनन नीति एवं कठोर प्रवासन प्रतिबंधक आदि कारण युवगोष्ठी मध्य अवसाद देखा मिलू। फल चीन युवपीढ़ी से पिलादिन किशोर अवस्था को ठीक भाव में जी पारना। भल चाकरी भल विश्वविद्यालय पाठ पढ़ा जरूरी। ग्रामांचल पिला हुकु पंजीकरण प्रणाली अधीन सहर से स्थायी बासिंदा हेबार एकमात्र रास्ता होउछि विश्वविद्यालय डिग्री। गोटे सहर से मध्यम वर्गीय जीवनशैली बचा वार्षिक आय 6,446 डॉलर होता आवश्यक। यार विपरीत हो चीन ग्रामांचल अवस्था, सेठे मात्र 2,533 डॉलर आयर अर्थ सापेक्ष गरीबी। तेणु सहरी पिला अपेक्षा ग्रामांचल पाने बड़ यूनिवर्सिटी पाठ पढ़ा संभवतः कष्टसाध्य। चाइना रे आम देखुचे कि किछि वर्ष हला गोटे डिप्रेशन बढ़ी जाइ छि पिला मनक मध्यरे, पिला मन खाली नुहे पिला वयस्क लोक वृद्धक मध्यरे। तो यार कारण विभिन्न रहुचि, जेमिति कि प्रथम कारण हो छुआ मन जो आम देखा कि एजुकेशन सिस्टम टा बेसी फ्लेक्सिबल नुहे। एजुकेशन सिस्टम टा टिके गोटे सेंट्रली गवर्नड रूल हिसाब से रहुचि, जो थे कि प्रथम 8-9 वर्ष कंपलसरी पाठ पढ़ी तापर पाठ पढ़ी सारापर 50 भाग पिला माने ताप परीक्षा पास हो पारे, आ 50 भाग पिला माने पास हो पारे जो माने कि लेबर हिसाब से काम करेंगे, जोटा कि जो कि चाइना रे चीप लेबर अधिक मात्रा रे आम देखी पारुचे। सेपर विषादर अन्यतम कारण होउछि एकलापण। 1979-2016 पर्यंत थिबा वन चाइल्ड पॉलिसी कारणरु सहरांचल रे पिलांकर भाई भौनी संख्या प्रायतः कम। सेहिपरि नीति लागू हेबा परे परिवार आत्मीय स्वजन एवं संपर्कियंक संख्या मध्य ह्रास पाइला। चीन रो एक कॉलेज छात्रंकु नै करा जायथिबा एक सर्वे रु जाना पड़िछि जे साधारणतः पिलाटिए निजर भाई भौनीक सहित सहपाठीक तुलना रे अधिक अवसाद संपर्क रे आलोचना करथै। 2010 परठारु चीन रे 14 वर्ष पिलांकर आत्महत्या परिमाण 5 गुणा वृद्धि पाइछि। 2018 रे चीन ने 35% किशोर अवसादर शिकार होते, ग्रामांचल रे संख्या 50% अधिक था। स्टाटिस्टा 2023 रो तथ्य अनुसार चीन रे 6.14% 25-29 वर्षर पुरुष और महिला अछन्ति, सेपरि 8.57% 30-34 वर्षर वयस्क, 7.31% 35-39 वर्ष, 6.56% 40-44 वर्ष वयस्क अछन्ति। मोट जनसंख्यार 62.5% होती 16-69 वर्ष वयस्क, जो माने वर्किंग क्लास बा काम करुवा श्रेणीर। तेज जनसंख्या ह्रास करने गोटेपटे जिनपिंग सरकार अनेक योजना करु, अंपटे युवपीढ़ी बिवाह करने को अमंग हो सरकार एवं चिंतार पड़ जाती। बेजिंग सरकार करिसेंती नुआ योजना, युवपीढ़ी बिवाह को प्रोत्साहित करने चीन सरकार करिसेंती नुआ प्रयास। प्रकृत में पूर्व चीन रे सरकार 25 वर्ष किंबा ताठारु कम बयसर दंपति को विवाह पई 10 युआन बा 137 डॉलर प्रदान करछंती। चाइना रे गोटे वन चाइल्ड पॉलिसी अछि, ए वन चाइल्ड पॉलिसी रु कोन होची गोटे परिवार रे गोटे ही छुआ रहि पर, जोटा कि 1950-60 मसिया रु 2016 पर्यंत लागू रहितला। ता द्वारा कोन हेची सेथरे आपनकर गोटे परिवार रे गोटे गोटे कपल गोटे ही छुआ जन्म करि पर, जहा द्वारा कि कोन हला आउ पिला मानकर केहि भाई भौनी कि सिब्लिंग केहि रहिलेनी, जहा द्वारा कि संकर किछ असुविधा हला कि कोन हला से माने भी जिनस किसी
ପାରନ୍ତିନି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଇଏ ଭାରସାମ୍ୟ ସେମାନେ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍ଭିସ ସେମାନେ ଚାଇନା ବାଲା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହିସାବରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନିଅନ୍ ଫର୍ ହାୟର କମ୍ପାନିଅନ୍ ଫର୍ ହାୟର କଣ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନୁହନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କହିପାରିବେ କଣ ହଉଛି ତ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଲୋକ ହାୟର କରିପାରିବେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନର ଯୁବପିଢ଼ି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓ ଆଙ୍ଗଜାଇଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବେକାର ସ୍ଥିତିରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କେବଳ ଚୀନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାପାନରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଏକ ସମାରୋହକୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିପାରିବେ ଏପରିକି ନିଜ ଭଡ଼ାଟିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ତେଜରାତି କିଣିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ତାହା ହେଲା ରେଣ୍ଟିଂ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଭଡ଼ାରେ ବନ୍ଧୁ ଆଣିବା ବନ୍ଧୁତା ଖୋଜିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଟିଏ ବୁଣିବା ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ସମାଜରେ ଏକଲାପଣ ଦୂର କରିବାରେ ଏହା କିଛିକାଂଶରେ ସହାୟତା କରୁଛି ମାତ୍ର ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାଯାଉଥିବା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନସିକ ଅବସାଦକୁ କେତେ ବା ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଦୂର କରିପାରିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ